ये केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा पूरा, और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है वो कंप्लीट है एकदम। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए लास्ट टॉपिक भी और इसको ख़त्म ही करते हैं केमिस्ट्री को पूरा। तो लास्ट टॉपिक ये है ईंधन, ईंधन यानी कि फ्यूल। फ्यूल जो है वो भी कार्बन का ही रूप होता है, फ्यूल ये सब कार्बन से ही बनते हैं। कार्बन से बनने का मतलब है कि जो भी जीवित पदार्थ है सब में कार्बन होता है, लोगों ने देखा। तो ये सब जो भी होता है वो जीवित पदार्थ, जीवित पदार्थ यानी कि जो भी पेड़ पौधे हुए या मनुष्य हुए जानवर हुए, तो इन्हीं से बनता है फ्यूल। और कोयला फ्यूल में ही आता है, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन, कोयला, गैस, जो भी होता है। तो हम लोग एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ईंधन या फ्यूल कहते कैसे हैं। तो एक और फ्यूल होता है, जैसे फ्यूल का मतलब कुछ भी चीज़ जो भी ईंधन जिनसे ऊर्जा बनाया जा सकता है वो भी फ्यूल हो गया। जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो भी होते हैं उनसे भी फ्यूल बनता है, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे इसी में ही, इसके आगे ही। तो ईंधन फ्यूल का मतलब है कि जिनसे ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, वो है फ्यूल। और फ्यूल में क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। एक होता है फ्यूल जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? जीवाश्म ईंधन का मतलब है कि मृत जीवों से जो भी चीज़ बना हुआ है वो है जीवाश्म ईंधन। तो क्या हो गया, ये मृत जीवों के अवशेष से बना हुआ, मतलब समय लगता है, उसी समय तो बनेगा नहीं, समय के साथ फिर वो मृत जीव जमीन के अंदर दब जाते हैं। दबने के बाद फिर वो केवल उनका जब कार्बन बच जाता है वही कार्बन जलता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कोयला, पेट्रोलियम। अगर कोयला पृथ्वी पर अगर मतलब मिट्टी पर अगर कोयला दबा हुआ है तो वो फिर कोयला बनेगा। अगर पेड़ पौधा दबा हुआ है, अगर वहीं अगर वो पानी किनारे दबा हुआ है तो फिर वो पेट्रोलियम बन जाता है। और इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक को करेंगे। पहले हम लोग कोयला करेंगे फिर पेट्रोलियम करेंगे, तो इसके वजह से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कुछ और, मतलब जो फैक्ट है वो सही समझ लेते हैं। देखिए देखिए, पहला होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब क्या होता है? ज्वलन ताप का मतलब कि न्यूनतम ताप जिस पर कि ईंधन जलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो देखिएगा कोई कोई चीज़ होता है जो जल्दी जल जाता है, जैसे अगर आप कागज़ जलाइएगा तो जल्दी आग पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी थोड़ा सा धीरे पकड़ेगा। तो यही चीज़ है, न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी ईंधन यानी कुछ भी हो सकता है, जिससे भी ऊर्जा निकले वो सारे ईंधन है, तो कोई भी ईंधन उससे जलना प्रारंभ कर दे तो हो गया ज्वलन ताप। और इसमें देखिए क्या होता है, जो पदार्थ ज्वलन ताप जिसका ज़्यादा होता है वो अच्छा ईंधन नहीं होता, वो भी ईंधन खराब ही होता है, और जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है वो भी ईंधन खराब होता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मध्यम जो होना चाहिए वही ईंधन अच्छा होता है। अगर मान लीजिए किसी का ज्वलन ताप कम है तो उसको जलाने में ही इतना ऊर्जा लग जाएगा कि फिर उससे ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मध्यम रहेगा तो सही रहता है। पेट्रोल डीजल ये सब पर ज़्यादा रहता है, पेट्रोल थोड़ा सा जलाइए और फिर आग लगा दीजिए बहुत जल्दी जल जाता है, तो पेट्रोल डीजल का तो ज़्यादा होगा, बस मध्यम वाला सही है, पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बात करें एक और होता है, एक और शब्दावली होता है, इसको देख लीजिए। एक होता है उष्मीयमान। इसका अर्थ है सिंपल सा, इसका अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि अगर हम लोग कोई ईंधन जला रहे हैं तो उससे कितना ऊर्जा निकल रहा है, और इसको हम लोग ग्राम के हिसाब से मानते हैं। जैसे एक ग्राम अगर हम लोग ईंधन जलाएं तो उससे कितना हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। और ऊर्जा का आप लोगों को पता है, किलोग्राम कैलोरी में ऊर्जा को मापते हैं या जूल में मापते हैं। कैलोरी में तो फिर जो भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको मापते हैं, और ऊर्जा को मारते हैं जूल में, किलोग्राम जूल, ठीक है। तो ये है कि एक ग्राम अगर हम लोग कोई ईंधन जलाएं, जैसे एक ग्राम लकड़ी जलाएं, एक ग्राम हम लोग पेट्रोल जलाएं, एक ग्राम कुछ और जलाएं, तो हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और जिसका ज़्यादा होगा, मतलब जिसका ज़्यादा अगर हम लोग को ऊर्जा या उसमें जो भी प्राप्त होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल कुछ कुछ लिखते, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी का होता है केवल 17, ठीक है। बात करें कोयला का,
कोयला थोड़ा देर तक जलता है, आप लोग देखा होगा। 30, बात करें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम की होती है 50, और यही एलपीजी का भी यही होता है। एलपीजी का मैंने बताया था, एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। और बात करें सीएनजी का तो सीएनजी थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि इसमें मीथेन होता है तो 55 होता है। और बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन की देखिए 150, देख लीजिए हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन हो गया। ये हो गया, ये तीन शब्दावली हैं, जीवाश्म ईंधन, ज्वलन ताप और ऊष्मीय मान, ठीक है। अब हम लोग आगे इसके आगे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अलग टॉपिक चालू करते हैं। मतलब हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे जो भी ईंधन है एक एक ईंधन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईंधन ले लेते हैं जो कि सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो वो है कोयला, ठीक है, कोल। देखिए कोल के बारे में हम लोग को क्या क्या जानना है। तो कोल है क्या आखिर, कोल जो है वो जो भी पेड़ पौधे थे वो जो पेड़ पौधे जब टूट गए ज़मीन के अंदर धंस गए, और धंस के वहाँ पे फिर बाद में कुछ हजार लाखों साल बाद वो फिर कोयला का रूप ले लिए, वो जो है वो हाइड्रोकार्बन का ही भाग है। वो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन देखा था, एल्केन एल्कीन, तो उसी का ही भाग है। और जो कोयला होता है वो हमेशा अवसादी चट्टान में ही पाया जाएगा। अवसादी चट्टान क्या होता है, ये सब चट्टान में ही देखेंगे। जैसे अवसादी चट्टान जो होता है वो एक जो पुराने चट्टान होते हैं जैसे आर्कियन क्रम के चट्टान हैं उनसे टूट गए, और फिर बाद बार बार जो परत जमते जमते जो भी चट्टान बनते हैं उन्हीं को अवसादी चट्टान कहते हैं। तो इसी को परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो उसी में ये पाया जाता है, अंदर कोयला हो जाता है और उसके ऊपर से वो परत जम जाता है, फिर उसमें ऑक्सीजन या गैस नहीं मिल पाता है तो वो चीज़ जल नहीं पाता है, और जलने के कारण उसका कोयला वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और फिर वो एक ईंधन बन जाता है। देखिए इसके चार प्रकार होते हैं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कोयला के चार प्रकार। चारों प्रकार इसको बढ़ाया जाता है, इसके कार्बन की मात्रा इसमें कितनी है, जितनी ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। तो सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, इसमें होता है 90 से 98% कोयला। बात करें बिटुमिनस, इसमें होता है 78 to 90%। और एक होता है लिग्नाइट, और तीसरा होता है पीट। लिग्नाइट में भी यही होता है 60 से 70%, और इसमें होता है 50% से भी कम। तो सबसे खराब ये होता है, पीट वाला ही होता है। अगर बात करें भारत में तो सबसे ज़्यादा भारत में लिग्नाइट पाया जाता है, एंथ्रेसाइट भारत में पाया जाता है, केवल जम्मू कश्मीर पाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी में भी, हम लोग पढ़ना है, जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में खनिज वगैरह के बारे में तो वहाँ भी देखेंगे इसको। बात करें ये सबसे अच्छा कोयला का, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन ये है जो है वो डामर होता है, मुलायम होता है, और ये घरेलू जो हम लोग प्रयोग में करते हुए होता है। एंथ्रेसाइट का प्रयोग घरेलू प्रयोग में नहीं होता है, एंथ्रेसाइट का जो प्रयोग होता है वो जो भी बिजली जहाँ बनती है बिजली घर वहाँ पर एंथ्रेसाइट होता है। और बात करें एंथ्रेसाइट भारत में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा कोयला का आयात करता है, और कोयला का सबसे ज़्यादा आयात भारत ऑस्ट्रेलिया से करता है। वहीं पर अभी हुआ था कोयले के लिए ही अडानी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया में लोग वहाँ पे धरना दे रहे थे, तो अडानी ग्रुप बहुत ज़्यादा एनर्जी में काम कर रहा है। तो ये हो गया। बात करें पीट की तो 50% से कम होता है, यानी कि ये धुआं ज़्यादा देगा, कार्बन इसमें कम है। तो और जो लिग्नाइट है इसी को बोला जाता है भूरा कोयला, सर्वाधिक यहीं भारत में पाया जाता है भूरा कोयला ही, लिग्नाइट ही। तो ये कोयला के चार प्रकार हो गए, आप लोग ऐसे ही देख लीजिएगा, ये बढ़ते क्रम में हो गए। ऐसे पूछेगा सबसे अच्छा इसमें कौन सा है, एंथ्रेसाइट, और सबसे ख़राब जो है वो पीट होता है। एक और देखिए कोयला में एक विधि होती है जिसको बोलते हैं भंजन या आसवन विधि, आसवन, ठीक है, भंजन या आसवन विधि होता है। तो इस विधि को आप लोग देख लीजिए, सिंपल से विधि है। इसमें क्या होता है कि कोयला जो होता है उसको जलाया जाता है उसमें वायु के बिना, ठीक है। तो इसी को कोल गैस या कोक कहते हैं, जो गैस निकलता है उसको कोयल गैस कहते हैं। इसी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मीथेन निकलता है, ठीक है, और इसी का कोल तार भी बनता है, 90 से 95% इसमें होता है। जैसे क्या होता है ना, जैसे लिग्नाइट है तो ख़राब है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भंजन या आसवन विधि से बिना ऑक्सीजन के इसको जलाएंगे हम लोग, और फिर ये कोक बन जाएगा। और इसी कोक का प्रयोग होता है एनर्जी में, इसमें 90 से 95% तक फिर हो जाता है कार्बन, तो ये फिर अच्छा ईंधन बन जाता है। और इसी में से कोल गैस निकलता है, कोल गैस का भी यूज हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CH4 होता है, और ज़्यादातर हाइड्रोजन ही होता है 50% से ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा भंजन आसवन विधि। को
कोयला के बारे में ये हो गया। और कोयला के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक होता है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, कोयला से ही बनता है प्रोड्यूसर गैस, और उसी को बोलते हैं वायु भंगार गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस, और इसी बोलते हैं वायु अंगार गैस, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये सिंपल सा है, इसमें क्या होता है, जो लाल जो कोयला होता है जो जलते रहता है उस पर फिर हम लोग वायु जो प्रवाहित करते हैं, ठीक है, हम लोग कोयला को जला दिया बहुत सारा, और वहाँ पे जब वो लाल लाल जब हो जाएगा उस पर हम लोग जब वायु डालते हैं तो वो क्या होगा कि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ये दोनों वहाँ से निकलेगा, तो यही होता है प्रोड्यूसर गैस। और अगर हम लोग यहाँ से अगर भाप अगर गर्म पर से निकालते हैं तो इसको हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। अगर पूछा वाटर गैस क्या होता है तो कोयला लाल तप्त कोयले पे भाप को गुजारना, और अगर हम बोले वायु अंगार गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। चलिए अब ये कोयला के बारे में हम लोग देख लिया, अगला जो है ईंधन उसमें देख लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में, इसमें क्या क्या होता है, डीजल वगैरह कैसे बनता है, क्या क्या अंतर है, बायोडीजल यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना है, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में भारत में वहाँ पे देखेंगे अच्छे से बायोडीजल के बारे में और जो भी चीज़ होता है वहाँ पे उस वहीं का टॉपिक है, इसलिए ऊर्जा के बारे में ही पढ़ा जाता है। तो चलिए पेट्रोलियम देख लेते हैं, पेट्रोलियम सभी चाहे जो भी डीजल केरोसिन वगैरह होता है सब पेट्रोलियम का ही भाग है। देखिए क्या होता है, इसमें गैस वाला भी जो भी होता है, जो भी गैस मिलते हैं वो भी होता है। तो इसका देखिए सिंपल सा अर्थ है कि जो भी सबसे पहले तो कोल हो गया जो ठोस के रूप में पाया जाता है पृथ्वी के अंदर, और जो भी पृथ्वी के अंदर गैस और द्रव्य के रूप में पाया जाता है, गैस और द्रव्य के रूप में जो भी ईंधन पाया जाता है वो सब पेट्रोलियम हो गए, ठीक है। ये भी हाइड्रोकार्बन ही होता है, वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, जो भी प्राकृतिक गैस और क्रूड तेल जो भी पाया जाता है, क्रूड ही तेल बोला जाता है उसको, फिर उससे हम लोग पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, उसको उस हिसाब से गर्म किया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है पेट्रोलियम में, दो चीज़ होता है, प्राकृतिक गैस और दूसरा होता है क्रूड ऑयल, ठीक है। देखिए पहला हम लोग कर लेते हैं प्राकृतिक गैस, किस रूप में बदलते हैं, प्राकृतिक गैस ये जो है वो हल्के हाइड्रोकार्बन से बनता है, इसमें मीथेन एथेन जो भी हम लोग अभी देखे थे हाइड्रोकार्बन वो सब प्राकृतिक गैस ही होते हैं, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन पेंटेन ये सब जितने होते हैं सब इसी में आते हैं, और यही प्राकृतिक गैस जो होता है वो सबसे अच्छा ईंधन है, जितना भी हम लोग देखते हैं जीवाश्म ईंधन कोयला वगैरह पेट्रोलियम सबसे अच्छा तो प्राकृतिक गैस ही होता है, ठीक है। तो अब इसमें एक दो देख रहे जैसे सीएनजी हो गया, सीएनजी में हमने बताया था कि 80-90% तक, तो इसमें मीथेन होता है, मीथेन यानी CH4, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा बाकी ईंधन इथेन होता है, ब्यूटेन पेंटेन नहीं होता है, उसे हटा देते हैं, बस केवल मीथेन और इथेन ही होता है बाकी। बात करें LPG की तो LPG की भी हमने बताया था अभी, इसमें हम लोग C4 जो है यानी कि जो प्रोपेन है और ब्यूटेन है, C3 वाला कौन सा है, प्रोपेन और C4 वाला ब्यूटेन है, तो दोनों को हम लोग मिला के और उसको मतलब दाब द्वारा उसको द्रवित करते हैं, अगर किसी चीज़ का अगर गैस को ज़्यादा दबाइएगा तो फिर वो द्रव बन जाता है, तो ये हम लोग करते हैं और सिलेंडर में इसको भर देते हैं। तो इसमें क्या क्या हो गया, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन और प्लस आइसोब्यूटेन भी होता है, और जब हम लोग देखते हैं कि जब गैस हम लोग जलाते हैं तो उसमें से गंध आता है, और जो गंध आता है वो होता है सल्फ्यूरिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, उसमें मर्केप्टेन मिलाया जाता है, ऐसे उसका नाम मर्केप्टेन है, मर्केप्टेन नहीं मिलाया जाता, लेकिन वो सल्फर युक्त हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें सल्फर होता है वहीं गंध आता है, नहीं तो ऐसे इसका इथेन वगैरह का गंध कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो हो गया प्राकृतिक गैस में इतना काफ़ी है, और अब हम लोग देख रहे थे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या है, कुछ नहीं, थोड़ा सा देख रहे हैं इसमें, तो ये हो गया जो भी पेट्रोलियम जो गैस था वो प्राकृतिक गैस हो गया, और जो भी द्रवित पेट्रोलियम है वो हो गया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या क्या आ जाएगा, जो भी डीजल पेट्रोल वगैरह हो जाएगा, काला रंग होता है, गाढ़ा चिपचिपा होता है, इसी को हम लोग द्रवित सोना भी कहते हैं, और
क्रूड ऑयल होता है ये नहीं जलता है, क्योंकि इसमें फिर बहुत कुछ होता है, और इसको जब हम लोग साफ़ करते हैं प्रभाजी आसवन विधि से, प्रभाजी आसवन विधि हमने पीछे बताया था, एक होता है आसवन विधि, आसवन विधि यानी कि गर्म करके निकालना, अगर दोनों दो पदार्थ हों और दोनों पदार्थ का अगर मान अलग अलग हो तो हम लोग उसको गर्म करके निकाल लेते हैं, लेकिन प्रभाजी आसवन में अगर दोनों का समान हो तो प्रभाजी आसवन किया जाता है। और इस चीज़ हम लोग इसी क्रूड ऑयल से ही हम लोग बनाते हैं, पेट्रोल डीजल किरोसिन ये सब इसी से बनता है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे कितना डिग्री सेल्सियस, जैसे क्रूड ऑयल को अगर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो ये बनेगा पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अगर हम लोग 150 डिग्री तक सेल्सियस तक गर्म करें तो ये बन जाएगा गैसोलीन, ठीक। इसी को हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं। और हम लोग ज़्यादा अगर इसको गर्म करें 200 डिग्री सेल्सियस तक तो फिर ये केरोसिन बन जाएगा, और गर्म करते हम लोग इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक तो ये डीजल बनेगा, और गर्म करें 370 डिग्री सेल्सियस तक तो स्नेहक तेल बन जाएगा, 400 डिग्री सेल्सियस तक करें तो लुब्रिकेंट स्नेहक जो भी आप लोग देखते होंगे, जो चिपचिपा जो जो पदार्थ होता है वैसलीन वगैरह जो लगाते हैं वो सब इसी का बनता है, ठीक है। यही देखिए यही है गैसोलीन ही बोला जाता है पेट्रोल को, गैसोलीन और पेट्रोल ये होता है। इसको हम लोग बैरल मापते हैं, एक बैरल बराबर कितना होता है आप लोग बताइए, बता देते हैं 159 लीटर, ठीक है। और क्या किया जाता है कि इसमें जैसे जो भी होता है गाड़ी में जो पेट्रोल होता है उसमें हम लोग उसकी जो गुणवत्ता मापा जाता है वो ऑक्टेन संख्या के आधार पर मापा जाता है कि उसमें कितनी ऑक्टेन संख्या है, जितना कम ऑक्टेन संख्या जितना ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगा उतना ज़्यादा उसमें आप स्टॉक कम होगा, गाड़ी आपको कम बजेगा, तो ये आप लोग को देखना होता है, लेकिन कौन चेक कोई नहीं करता है, ठीक है। उसी को एंटी नॉकिंग एजेंट भी बोलते हैं उस अपस्फुटक पदार्थ को। दूसरा है गैसोहोल, ठीक है। जैसे ये गैसोलीन हो गया या पेट्रोल हो गया, पेट्रोल हम लोग क्या बोलते हैं कि इथेनॉल मिला देते हैं, अगर 10% इथेनॉल मिला देते इसको हम लोग बोलते हैं गैसोहोल। देखिए भारत इस पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, भारत का लक्ष्य 2030 तक 20% तक इथेनॉल मिलाना है, जिसमें बिहार बहुत ज़्यादा काम किया है। बिहार में तो इस पे कानून भी बना हुआ है इथेलिन इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए, और इससे अगर अगर आप इथेनॉल मिला देते हैं तो पेट्रोल का यूज भी बढ़ जाता है, पेट्रोल अच्छा पेट्रोल हो जाता है। बात करें अपस्फोटन का, तो अपस्फोटन होता हमने बताया कि क्या होता है कि जो ईंधन होता है गाड़ी का वो अपने आप नहीं जलता है, उसको जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन बाहर से, तो क्या होता है कि पहले से ही ऑक्सीजन से वो जलने लगते हैं, फिर उसके चलते गाड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए उसमें मिलाया जाता है। जैसे इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट में हम लोग मिलाते हैं TEC टेट्राएथाइलेड या टाइलिन, ये चीज़ से मिलाया जाता है ताकि गाड़ी सही से चले। बस आप लोग इतना यूज कीजिएगा कि एंटी नॉकिंग एजेंट जो है वो भी एक इथेनॉल भी होगा उसका एंटी नॉकिंग एजेंट, और उसको मिलाते हैं ताकि उसका ऑक्टेन संख्या बढ़ जाए और गाड़ी अच्छा हो जाए। और अपस्फोटन को रोकने के लिए अगर पूछे क्या मिलाते हैं तो एंटी नॉकिंग एजेंट। बात करें बायोडीजल का, तो देख लीजिए बायोडीजल क्या होता है। बायोडीजल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, उसको जला के फिर ऐसे जुपिटर वाइन वगैरह चलाया जाता है बायोडीजल से, तो उस सब हम लोग वहाँ देख लेंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन ही होता है, उसको प्रभाजी आसवन से हम लोग बायोडीजल बना लेते हैं, और फिर घरेलू घर में नवीकरणीय ऊर्जा ये सब इसी से बनता है। डीजल जो होता है वो भारी वाहन के लिए होता है, भारी वाहन जितना भी आप जीप वगैरह देखेंगे बड़ा बड़ा ट्रक देखेंगे उसमें डीजल से होते हैं, पेट्रोल से वो नहीं चल सकता है। इसमें क्या होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, तो सल्फर नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना के वो ज़्यादा खराबी करता है, तो ये अच्छा ईंधन नहीं होता है डीजल इसी के चलते। तो ये हम लोगों ने ये भी देख लिया, और बस और हम लोगों को बस एक टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद केमिस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इस ये कम्प्लीट केमिस्ट्री है तो चलिए उसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो चलिए फिर रेडियो एक्टिविटी को भी ख़त्म कर लेते हैं, रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी हेडिंग दे देते हैं इसको। रेडियो एक्टिविटी ये बस हम लोग का लास्ट टॉपिक है, हमने इसको सोचा था कि जब हम लोग पढ़ेंगे
इसको हम लोग और ज़्यादा डिटेल देंगे अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वो ऊर्जा कैसे होता है उसमें देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में, तो यहीं पे देख लेंगे। अभी बस इसको समझ लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो इसको बेकरोल ने खोजा था, इसका इकाई क्यूरी है, मैरी क्यूरी, उनने भी इसमें बहुत ज़्यादा काम किया था और उनके पति भी थे, दोनों ने मिलकर इन पर बहुत ज़्यादा काम किया था। पियर क्यूरी नाम था, दोनों लोग को मिला भी था नोबेल प्राइज़ इसके लिए। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ किसको कहते हैं जिनसे अल्फा बीटा और गामा रे निकले। तो देखिए एक एक रे को समझ लेते हैं। अल्फा रे जो होता है, यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा रे जो होता है ये हीलियम के जैसा निकलता है, 2He4 हीलियम का ही होता है। ये 2 जो है वो प्रोटॉन है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है, और इसका 2 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें केवल ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसकी गति बहुत कम होती है, लाइट के 1/10 ही गति होती है, क्योंकि ये भारी होता है ना, देखिए भारी इसमें हीलियम जैसा। अब बात करें बीटा की, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसकी गति जो होती है 9/10 होता है। गामा जो होता है इसमें कुछ नहीं निकलता है लेकिन इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है लाइट का स्पीड, लाइट का जितना गति होता है, लाइट का गति कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। ये बात करें कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिससे निकलता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रेशियो है वो 1.5 है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन हैं, अगर मान लीजिए हम लोग ऊपर न्यूट्रॉन रखते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन रखते हैं 10 और प्रोटॉन रखते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 हो गया, तो ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ऐसे ही पदार्थ होना चाहिए, वहीं सब रेडियो एक्टिव, जो भी ऐसे पदार्थ होगा सभी रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। क्यों हो गया रेडियो एक्टिव पदार्थ, इसमें क्या होता है कि जैसे ये देखिए हीलियम, अगर इसका मतलब निकल गया, ठीक है, अल्फा निकला तो हीलियम कितना निकला, तो ये 2 अंक आवर्त सारणी में पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये 1 अंक पीछे जाएगा, फिर 2 अंक जाएगा, ऐसे ही करते करते एक ऐसा समय आएगा जब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा 1.5 का। तो जो इक्वल होता है वो होता है लेड का, लेड यानी शीशा का। जो भी पदार्थ हैं वो अंततः, जैसे यूरेनियम है वो जलती जलती अंततः उससे सारा अल्फा बीटा गामा रे निकलते निकलते अंततः लेड बन जाएगा शीशा, और शीशा बन के फिर वो अस्थिर हो जाता है। तो जब तक से ये अस्थिर नहीं होगा तब तक से ये ऐसे ही अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहेगा और बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसी को यूज करके बनाया जाता है, फिर जो भी परमाणु रिएक्टर बनते हैं वो इसी के आधार पर बनते हैं। बात करें इनकी तो देखिए क्या होगा, गति इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी गति इससे कम, ऐसे ही सवाल आते हैं, सबसे ज़्यादा गति किसी इसका होगा, और गति ज़्यादा है तो वेधन क्षमता भी इसी का जाता होगा। लेकिन अगर बात करें फोटोग्राफी जो प्लेट होते हैं उन पर किसका ज़्यादा इफेक्ट होगा, तो ये ज़्यादा मोटा है, मतलब इसका जो है वो क्या कहलाता है, रेडियस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा असर करेगा, ये कम करेगा, कम करेगा, तो यहीं सब होता है। आयनन विभव भी ये ज़्यादा होगा, हम लोग अभी आयनन विभव भी देखा था। एक और इसमें होता है अर्धायुकाल, देखिए क्या ये अच्छा सा एक टॉपिक है अर्धायुकाल, इसको हम लोग ऐसे टी से दिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो भी ऐसे पदार्थ होते हैं वो पहले अपना पूरा आधा ख़त्म हो, जैसे कि ये हो गया पूरा पदार्थ, ये क्या होगा कि इसमें से पहले आधा ख़त्म होगा, ठीक है, 10 साल में मान लीजिए कि ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये जो आधा बच गया, अब ये आधा जो ख़त्म होगा ये 5 साल में नहीं ख़त्म होगा, ये भी 10 साल में ख़त्म होगा, फिर जो ये आधा है फिर इसमें से आधा 10 साल में ख़त्म होगा, ऐसे ही धीरे धीरे ख़त्म होते थे, इसी को बोलते हैं अर्धायुकाल। और इसको हम लोग लिखते हैं TA × 1.44 × T1/2, तो ये होता है अर्धायुकाल। तो ये जो TA होता है, मान लीजिए उसका औसत आयुकाल कितना निकालना है, और T12 हो गया कि उसका अर्धायुकाल कितना है, उसके हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं कि उसका उम्र कितना हुआ। और जो कृत्रिम जो रेडियो एक्टिव था उसी में इरेन क्यूरी और उनकी माँ मैडम क्यूरी इन लोगों ने बनाया था। तो ये सब हो गया, हम लोगों ने देख लिया। जैसे ये जो लेड है इसका 83 है, अगर 83 का आप नीचे जाएंगे तो सारे जो भी पदार्थ होते हैं वो सब रेडियो एक्टिव, हम लोग देखा था 89 लेटेनाइट, ये सब एक रेडियो एक्टिव पदार्थ ही होते हैं। तो ये हो गया रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो हम लोग का केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। रेडियो एक्टिविटी भी बहुत पढ़ना है, वहीं हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, नाभिक विखंडन कैसे होता है, नाभिक संलयन कैसे होता है, कैसे परमाणु रिएक्टर काम करते हैं, परमाणु बिजली घर क्या होता है, कैसे वो चलता है, सब वहाँ हम लोग देखेंगे। बस इसको इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, और हमारा केमिस्ट्री पूरा आज कंप्लीट हो गया है, और फिर हम लोग अब नया सब्जेक्ट चालू करेंगे फिजिक्स।